एक बार ट्राई करते हैं ये है क्या। टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं सोच रहा हूँ वेरी गुड वेरी नाइस। सोच रहा हूँ कि एक किलो ले लो, 60 का पड़ रहा है, 240 रुपए किलो। ये जो मार्केट है ना, अगर आपको स्वीट्स यहाँ पे देखनी है तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्वीट्स मिलेंगे। 60 टर्किश लीरा पर केजी है, तो मेरे ख्याल से बहुत सस्ता है। 240 रुपये नहीं, 220 रुपये किलो। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक किलो तो मैं बोलूँगा और दूसरा भी एक बार ट्राई करता हूँ, अगर वो टेस्ट लगा वो भी एक किलो ले लूँगा। बिकॉज मेरा जो यहाँ से फ्लाइट है वो चेकिंग है, मतलब लगेज जो है मैं डाल सकता हूँ चेकिंग में, तो केजी का इशू नहीं है कि कितना किलो का है। मैं यहाँ से बहुत मिठाई खरीद के जाऊँगा, मिठाई और बहुत सारे चॉकलेट्स है। ये है ना असली मार्केट, अब शुरू होती है यहाँ से। यहाँ पे देखोगे ना तो आपको मसाले की वैरायटी मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे ऑरिगेनो है, ऊपर टर्मरिक, पता नहीं और कौन से है, बट ये कि जो मसाले हम यूज़ करते हैं, हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, धनिया हो गया, सारा कुछ है यहाँ पे। अब जैसे मैडम ये पेंटिंग कर रही है यहाँ पे, सेम यहाँ पे। मुझे अभी लग रहा है कि यार 2 दिन बहुत कम था टर्की के लिए, एटलीस्ट मेरे पास 2 दिन और होता तो मैं अच्छे से एक्सप्लोर करता। मेरे पास आज का ही पूरा दिन है और पूरी रात, रात को तो मतलब 8-9 बजे मैं होटल पहुंच जाऊंगा। तो मेरे पास एक दिन और होता ना तो फुल मज़े करता। बिकॉज ये जो प्लेस है, मैं डिटेल डाल रहा हूँ कहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था इजिप्शियन मज़ार, ये बहुत ही बड़ा है और स्पेशली यहाँ पे खाने पीने के लिए कैंटीन और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिठाई भी है, जो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। बिकॉज ये पूरा एयर कंडीशनर मार्केट है और बहुत बड़ा है, मतलब एटलीस्ट एक दिन और पूरा दिन आप कवर करके चलो। कि मॉर्निंग अगर आप 11 बजे पहुँचते हो तो 2-2.5 बजे आप यहाँ से फ्री हो गए, अगर आप पूरा अच्छी तरह से कवर करते हो। और मैं आपको ये भी बोलूँगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से खरीदो आप, स्पेशली जो मिठाई है और जो कैंटीन है डिफरेंट टाइप्स के, वो एटलीस्ट आप लेकर जाओ। भाई साहब यहाँ पे खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इतने सारे शॉप्स हैं ना, स्पेशली खाने पीने का चीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब मैं सारे शॉप से 1 या 2 पीस उठा रहा हूँ, मेरा पेट फुल हो गया। कैंडीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है कैंडीज के, और नमकीन में भी बहुत सारा है। जहाँ पे भी देखो आपको ये खाने पीने का मिलेगा। कपड़ों का कम है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा है। थोड़ा खाकर पेट फुल हो गया है। अभी चलते हैं और आगे, अति आगे बहुत सारे स्टोर्स हैं वहाँ पे, फुल हो गया। मैं क्या करूँगा जब रिटर्न आऊँगा ना, उस टाइम मैंने सारा पैक कराऊंगा। बिकॉज अभी मैं पैक कराऊंगा फिर ढोना पड़ जाएगा, तो बेटर है जब रिटर्न करूँगा उसी टाइम 1 kg वो लेना है, और भी 2-3 चीज़ें, सॉरी बहुत खा लिया, 1-2 चीज़ें और हैं वो भी पैक करानी है। ये इसका आउटर एरिया हो गया, मिस्टर कारासी 1664 में बना था ये, और ये बर्गर किंग इसके सामने। चलो भाई ये मैं ले रहा हूँ 1 kg। ओके Recording? Which one? No, I want this. Already on. On. This. Oh. Yes. Yep. 40, no, 50. For children. 50. Bro. Right.
भाई यहाँ से भी जो है ब्लू मॉस्क यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है, और वो भी मैं वॉक करूँगा बिकॉज यहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन है नहीं जाने का। तो जैसे आप यहाँ पे आए हो इजिप्शियन मार्केट, इजिप्शियन बाजार, वहीं से आपको इसी रास्ते में जाती है 1.5 किलोमीटर और वॉक करना है। इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स टू रिच देयर। उसके बाद फिर हम चलते हैं होटल और कल का फ्लाई टू इंडिया। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। 20 minutes later. वैसे आप देखोगे तो ऑफिशियली क्लोज्ड हो गया है, बट आप मेन जो एरिया है जहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हो वो पूरा ओपन है अभी। तो बेसिकली ये अभी क्लोज हो गया बिकॉज 7 बज चुके हैं, बट अगर आपको बाहर का नज़ारा देखना है, फोटोग्राफ्स लेनी है, तो आप आ सकते हो अभी। और स्पेशली मेरे ख्याल से अभी आने का टाइम सही है बिकॉज धूप नहीं है। अदरवाइज भाई साहब दोपहर में इतनी धूप है ना, शाम को 5-6 बजे बहुत धूप होती है। अभी देखो यहाँ पे 7:30 या 7:45 हो रहा है, अभी भी कड़ाके वाली धूप है। और हम पहुँचे ब्लू मॉस्क, ये सामने है। एक बार पता करते हैं कि एंट्री का कोई चार्ज है या नहीं है, और मेरे ख्याल से यहाँ कपड़े का भी होगा कि मतलब क्या कपड़े पहनने हैं क्या नहीं पहनने। अभी मैं एंट्री गेट पे आ गया हूँ और एक बार ये है जो देखो, शॉर्ट्स नॉट अलाउड। अच्छा हुआ मैंने जीन्स पहन ली, और ये फुल कपड़े ऊपर से नीचे तक पूरा कवर करना है ये। और टाइमिंग ओपन टाइम 8:30, क्लोज 12:15, देन 2 बजे ओपन होता है, फिर 4:45 क्लोज, और शाम को 5:45 ओपन होता है, और 6:30 में क्लोज्ड। फॉर फ्राइडे ओपनिंग 2:30, फ्राइडे को सिर्फ 2:30 बजे ओपन होता है। अच्छा तो अभी ये बंद हो चुका है बिकॉज अभी 8 बजने हैं। चलो बट अंदर आप नहीं जा सकते हो, बाहर से देख सकते हो आप। वाह क्या खूबसूरत है यार, यार ये तो अभी भी ओपन है देखो मेन गेट। चलो एक बार चलते हैं। 6:32 यहाँ कब का हो गया, मतलब 8 बजने को है बट अभी भी ओपन है। अच्छा चलो देखते हैं। चलो शूज यहाँ रख देते हैं। आप इसके अंदर तक आ सकते हो, और मेरे ख्याल से जो मॉस्क है वो शायद वहाँ पे है, वहाँ पे नहीं जा सकते। एक बार आप व्यू देखो, भाई एक मैडम अपने हस्बैंड को पूरा परेशान कर रखी है फ़ोटो क्लिक करवा करवा के। वो कम से कम मेरे सामने कब से फ़ोटो क्लिक कर रहा है बट अभी भी सही नहीं आ रहा है। वो बार बार बोल रही है ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, वो परेशान हो गया बट कुछ कर नहीं सकता वो। मैं आपको दिखाता हूँ उनको, ये जो ब्लैक और वाइट जो पहनी है और उसके सामने जो फ़ोटो ले रहा है बंदा, ये देखो कब से फोटो ही क्लिक कर रहे हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। भाई मुझे माफ कर दो, सॉरी भाई मेरे से गलती हो भाई। चलो भाई सब, टाइम तो 6:30 बजे क्लोज होने का था बट ओपन था। हमने अंदर से पूरा देखा, बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है, और इतनी शांति है ना क्या बताऊं। अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ, प्रस्थान करते हैं। और अभी सबसे पहले मुझे देखना है यार बिकॉज अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मैं पैदल जा सकूं हॉस्टल तक, जो कि यहाँ से 3.8 किलोमीटर्स है। इट विल टेक अराउंड 1 hour 15 minutes, जो कि मैं चल नहीं पाऊँगा, इतनी हिम्मत है नहीं। मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ, कार्ड भी मुझे लेना नहीं है बिकॉज कार्ड जो है 50 लेने का कार्ड है, कोई पॉइंट नहीं बनता लेने का। तो अभी देखता हूँ इनकेस। तो पता नहीं क्या, तो देखते हैं अगर डायरेक्टली अगर टिकट मिल जाए तो अच्छी बात है, सीधा चलते हैं वहीं पे। नहीं तो फिर अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर रुक रुक के बीच में फिर कहीं जाना है, देखते हैं क्या प्लान करना है फिर आगे। तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ पैदल, अब मैं सीधा यहीं से पैदल जाऊँगा होटल, और यहाँ से जो दिखा रहा है 4.2 किलोमीटर और 1 घंटा
दो मिनट और बचा हुआ है अभी चलने के लिए, तो बीच में मुझे रुकना है जहाँ पे मैं रुका था, ये इजिप्शियन मार्केट आएगा बीच में, वहाँ रुकूँगा, वहाँ पे देखूँगा और कुछ अगर लेना हुआ वैसा तो ये ढेर सारा सामान ले लिया है। इसके अंदर एक पॉलीथिन फट भी गया बिकॉज हैवी हो गया था, तो दूसरा पॉलीथिन था उसी में डाल दिया मैं। अभी देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ लेने को होगा तो लेंगे, नहीं तो फिर वहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लोर करके फिर वहाँ से निकल लेंगे होटल, बिकॉज मैं वहीं उसी रूट से आया था। The next day. चलो भाई साहब मिल गया है बोर्डिंग पास, यहाँ से मस्केट एंड मस्केट टू जयपुर इंडिया। प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो है, थोड़ा क्या मतलब बहुत स्लो है यार। एक तो समझ नहीं आ रहा कि कौन से काउंटर पे है, और काउंटर के बाद ये बहुत सारे हैं कि ये मतलब कि में बहुत से कम से कम 20 काउंटर है, उस काउंटर में कहाँ जाना है कुछ भी पता नहीं। फिर एक बंदे ने लेकर गया कि इन्फॉर्मेशन सेंटर पे, उसने बताया कि 12 से 15 में है, फिर वहाँ गया और इतनी लंबी लाइन, बट जो बंदी थी वो थोड़ा फास्ट थी, सो मेरे से कोई क्वेश्चन उसने नहीं किया और बोर्डिंग पास दे दिया। पहले उसने चेक किया ट्रांजिट वीज़ा मांगा मेरे से, मैं बोला भाई मैं अपनी कंट्री में जा रहा हूँ, और मस्कट जो है मेरे पास डायरेक्ट PNR है, डायरेक्ट फ्लाइट सेम फ्लाइट है बट मस्कट में रुकेगी वो, तो कोई ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने पासपोर्ट चेक किया और उसने दे दिया। अब चलते हैं पासपोर्ट कंट्रोल, यहाँ से चेकआउट करेंगे।